president. This concludes the ceremony. मुख्य प्रोग्राम जिसको आप देख रहे थे, जो बड़ी बातें नरेंद्र मोदी की ओर से की गई हैं व्हाइट हाउस में, उमंग उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकी मेरे प्यारे साथियों सभी को नमस्कार करते हुए उनकी ओर से शुरुआत की गई। और आपने देखा किस तरह से बेहद उत्साह के साथ न सिर्फ राष्ट्रपति जो बाइडेन बल्कि फर्स्ट लेडी अमेरिका की उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ा और फिर उनको व्हाइट हाउस के भीतर बेहद गर्मजोशी के साथ लेकर गई। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने मित्रतापूर्ण स्वागत जिस तरह का किया है, उनके दीर्घ दृष्टिपूर्ण जो संबोधन रहा उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। अब व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, हमारे लिए गौरव है। अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय भी इससे सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बार बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बारे में भी जिक्र किया कि 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के तौर पर मैं अमेरिका आया था, मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। पीएम बने के बाद वैसे तो मैं कई बार यहां पर आ चुका हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो इंडियन अमेरिकन समुदाय के लोग व्हाइट हाउस के भीतर आए हैं, व्हाइट हाउस के द्वार पहली बार उनके लिए खुले हैं, मैं इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग टैलेंट, कर्मठता, निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप हमारे संबंधों की ताकत हैं, आपको दिए सम्मान के लिए दिल से धन्यवाद उनकी ओर से अर्पित किया गया। उसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा दोनों देशों के संविधान पहले के 3 शब्द वी द पीपल ये सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हिंदुस्तान अमेरिका अपनी विविधता पर गर्व करते हैं, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और ये तस्वीरें देखिए व्हाइट हाउस के भीतर से, ये प्यारी तस्वीर जो इस वक्त समूचा हिंदुस्तान और तमाम दूसरे मुल्कों के लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें अपने आप में हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो और दक्षिण कोरिया के यून सुक योल के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विश्व के तीसरे नेता हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है। और जो गर्मजोशी इन दोनों ही नेताओं के बीच देखने को मिल रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। दोनों के चेहरे खिले हुए हैं और यहाँ पर वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मेजर जनरल राजेश सहाय, आपने बेहद गौर से सुना आप दोनों के ही संबोधन को, जो बड़ी बातें आपको नजर आई, ये गर्मजोशी क्या बयां करती है? देखिए, जैसे आप बता रहे थे कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिबा 45 मिनट बाहर बैठी रही, और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है व्हाइट हाउस में। बिल्कुल, तो फर्क है ना, कहीं ना कहीं। अभी फर्क किस चीज का है, भूगोल का तो कोई फर्क नहीं है, जियोग्राफी वही है, पर भूगोल राजनीति का फर्क हो गया। बिल्कुल। और वो कब हुआ, जब भारतवर्ष अपनी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी 7-7.5% हर साल बढ़ रही है। बिल्कुल। और हमारा मार्केट सबसे बड़ा है विश्व में, 140 करोड़ की हम बात करते हैं, पर 140 करोड़ मार्केट यूएस के सामान के लिए और उनके ट्रेड के लिए, और हमको भी यूएस से बहुत चीजों की जरूरत है। बिल्कुल। पहले दशकों में प्रॉब्लम ये हो रही थी, दिक्कतें ये हो रही थी कि बाधाएं थी, पर अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला कि बाधाएं के ऊपर अब
पुल बनाए गए हैं ताकि वो भी हाथ बढ़ाएं, हम भी हाथ बढ़ाएं और विश्व को आगे रास्ता दिखाएं। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो बातें कही हैं उसमें सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्वाड का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का जिक्र किया, जमकर उनकी तारीफ करते हुए भी वो नजर आए, वो क्या दर्शाता है? देखिए, क्वाड में चार देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और तीन देश और ऐड किए गए हैं, कोरिया है, वियतनाम है और न्यूजीलैंड है। जी, अगर आप सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन देखिएगा वो हिंद महासागर के बीच में से निकलती हैं और फिर पैसिफिक में जाती है। तो अमेरिका चाहता है कि उसका जो एरिया है सी का वो प्रोटेक्शन दिया जाए बाय इंडिया। बिल्कुल, तो वो महत्वपूर्णता बहुत है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप चाइना का जो उनके जो पैरों के निशान है वो देखिएगा कि हिंद महासागर में कितने बढ़ गए हैं, और ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तस्वीरें देखकर मुझे याद आ जाता है, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कहा गया प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आप इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं अमेरिका के भीतर की, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। और आज देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ ये दोनों ही नेता एक दूसरे से मुखातिब है, मुलाकात करते हुए, और जो फर्स्ट लेडी अमेरिका की है वो किस तरह से प्रधानमंत्री को अंदर लेकर गई और उसके बाद एक एक चीज वहां पर ब्रीफ करती हुई वो बताती हुई यहां पर नजर आ रही है। और लोग बड़ी तादाद में भारत अमेरिकी समुदाय के लोग मौजूद हैं, तो सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन भी यहां पर प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वीकार करते हुए, और अब दोनों भीतर की तरफ जा रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइंट सेशन कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हो जाएंगे जो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए ज्वाइंट सेशन के जाएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अद्भुत हैं। एक और टिप्पणी बॉडी लैंग्वेज पर, दो नेताओं का ये जो इस तरह से मिलना है और दो मुल्कों को आगे बढ़ाने की जो बड़ी सोच रखना है वो क्या बताता है? देखिए चित्रा जी, मेन इश्यू ये है कि जितने भी भारतीय समुदाय के लोग आज अमेरिका में हैं वो तकरीबन 12% है पॉपुलेशन की, और अगले साल प्रेसिडेंट बाइडेन का इलेक्शन होना है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 मिलियन से ज्यादा वहां पर भारतीय, 4 मिलियन भारतीय हैं, अगर वो वोट करें बाइडेन के लिए तो पूरा जो तख्ता है वो उलट पलट हो सकता है और बाइडेन को सेकेंड टर्म आराम से मिल सकता है। तो ये जियोपॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स है जो शामिल है इन चीज में, परंतु उसकी हमको फिक्र नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, हमको ये देखना चाहिए कि हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए क्या इंपॉर्टेंट है।